जी अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्त कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं मेरे ख्याल में सब दोस्त, माशाल्लाह ठीक होंगे। छुट्टियां भी गुजर गई हैं दोस्तों की, काफ़ी इंजॉय भी किया होगा दोस्तों ने। मैं दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ कुछ मसरूफियत की वजह से। इस तरह के दोस्तों आपको पता है कि काफ़ी हमारे जो E9 वर्कर जो कोरिया से वीज़ा जापान का लगवाते हैं, तो वीज़ा तो उनका माशाल्लाह लग जाता है सबका, E9 E7 जो भी है, जो भी किसी भी वीज़े पे जो उनका वीज़ा लगता है। तो आज मुझे एक दोस्त का मैसेज आया कि उसने कहा कि सर मुझे उन्होंने जापान एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया। ये मेरे ख्याल में मेरे तो सामने ये पहला केस मैंने ऐसा देखा है। ख़ासकर जो कोरिया से लोग जापान जाते हैं उनका तो मैंने ये देखा कि फ़र्स्ट टाइम मेरे सामने ऐसा केस आया। मेरे ख्याल में कभी किसी को ऐसा नहीं किया है ना। तो इस दोस्त ने मुझे मैसेज किया और मुझे इससे पूछा कि मेरे पे उन्होंने मुझे रात को वहाँ पे रखा और मेरे पासपोर्ट एक उन्होंने स्टैंप लगा दिया कि आप जापान में इंटर नहीं हो सकते। तो बात करने का मकसद दोस्तों ये है कि काइंडली जो भी दोस्त हैं, एक तो मेरा मशवरा सब दोस्तों को ये है कि आप टोक्यो जाया करें, किसी और एयरपोर्ट पर ना जाया करें। अगर आपने टोक्यो या उनका फुका तो जो भी है उसाका, इसमें किसी में जाते हैं तो अपनी जो इमिग्रेशन जब आपसे इंटरव्यू करते हो कि उसकी प्रीपेयरिंग करके जाया करें। आपके पास होटल बुकिंग हो, आपके पास टूर प्लान हो, उनको आप बता सकें, गाइड कर सकें कि मैंने इस जगह पे जाना है। अब इस दोस्त के साथ मसला ये हुआ है कि इस दोस्त के पास होटल बुकिंग भी थी, लेकिन इसको टूर प्लान भी था, लेकिन इसको पता नहीं था मैंने किधर किधर जाना है, किस एरिए में जाना है। तो मैंने आपको पहले दोस्तों बता दिया, कोशिश ये किया करें कि अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ लेके जाया करें, अपनी होटल बुकिंग और टूर प्लान, और उसको रिमेम्बर किया करें कि देख लिया करें कि मैंने किधर किधर जाना है, उनको बताना है कि हमने इधर से इस तरह जाना है। और कोशिश ये किया करें कि जब भी जाएं कोशिश करें टोक्यो में जाएं, क्योंकि टोक्यो में इतनी सख्ती नहीं होती, उनका कैपिटल है, तो वो आपको इजी जो क्वेश्चन करके वो आपको जाने की इजाज़त देते हैं। लेकिन जो जिस तरह दूसरे ये फुका हो गया, उसाका हो गया, इसमें थोड़ी सी उन्हें सख्ती है, जो छोटे एयरपोर्ट हैं इस पर उन्होंने सख्ती की हुई है। तो बात करने का मकसद है जो दोस्त इधर से कोरिया से खासकर जापान जाते हैं, वो अपनी सारी तैयारी करके जाएं मेरे भाई। उनको पता हो कि मेरा ये होटल नेम है, ये मेरी है, मैंने इधर से इधर जाना है। आपके पास सारा टूर प्लान होना चाहिए जो आप इमिग्रेशन वाले को मुतमिन कर सकें कि मेरी ये रिटर्न टिकट है, तो मैं इस डेट को वापस आऊँगा, ये है ये है, सारी A to Z आपने अपने जो है अपने जहन में ये बात रखनी है दोस्तों। तो ये यकीन जाने मेरी, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा, मैं भी किसी और दोस्त के साथ भी ऐसा मसला हुआ। तो बात करने का मकसद ये है कि दोस्तों कि जो भी दोस्त कोरिया से जब अपना वीज़ा लगवाता है, चाहे वो किसी कंट्री का, जापान को छोड़ के किसी भी कंट्री का, तो कोशिश ये किया करें दोस्तों कि अपनी सारी जो है ना वो अपनी प्रीपेयरिंग करके, अपना सारा कुछ करके फिर जाया करें। आपको पता हो मैंने किधर जाना है, किधर नहीं, मेरा होटल नेम ये है, ये है, मैंने इस डेट को वापस आना है, रिटर्न टिकट है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये वो आपके अपने पास रखनी होती हैं लाजमी, तो उसके बाद ही वो आपको एंट्री देते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप टोक्यो जाएँ और किसी शहर में ना जाएँ। काफ़ी जो है वो जो होते हैं, इस लड़के का टोक्यो का मसला इस किसी और एयरपोर्ट का था, आई थिंक मुझे उसका नाम भूल गया, फोका कि उसने बताया था, वहाँ पे उसको वो मुतमिन नहीं कर सका इमिग्रेशन, उन्होंने उसको वापस कर दिया। तो बात करने का मकसद है जब भी दोस्तों आप अप्लाई करें तो अपना जो ये डॉक्यूमेंट इनको साथ रखें और इसको याद रखें कि मैंने ऐसे ऐसे जाना है, इस तरह मैंने वापस आना, उसको मुतमिन आप कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो इंशाल्लाह मिलते हैं दोस्तों। वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों ये होता है कि जो हमारे भाई हैं जो अप्लाई करते हैं उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले और उनको पता हो कि यार हमारे साथ ये एक दोस्त के साथ मसला हुआ, हमारे साथ अल्लाह ना करे हमारे साथ ऐसा हो। तो कोशिश ये किया करें जब भी जाएँ अपनी सारी प्रिपेयरिंग करके जाएँ। दुआ में दोस्तों याद रखें, शुक्रिया।